हर बार की तरह दशहरे के दिन जिस तरह से रावण दहन होता था, इस बार भी दिल्ली में उसी तरह से रावण दहन हुआ। लेकिन क्या अब दिल्ली की आबोहवा साफ रहेगी? जिस तरह से ये धुआं उठ रहा है, उससे तो साफ दिख रहा है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ेगा। वहीं रावण दहन के बाद ही दिल्ली के लोग तुरंत ही सड़कों पर मास्क डालकर चलते हुए नजर आए। अब देखने की बात तो ये रहेगी कि आने वाले दिनों में प्रदूषण में कितनी बढ़ोतरी होती है। इस पर जब हमने लोगों से पूछा तो आइए अब आपको सुनाते हैं दिल्ली वालों ने क्या कहा। क्या नाम है सर आपका? मनोज। मनोज जी, आप दिल्ली से रहने वाले? जी। मनोज जी, रावण दहन अभी अभी आपके सामने हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि इसके बाद पोल्यूशन जो है वो दिल्ली में और भी ज्यादा फैलेगा? डेफिनेटली। देखिए, इसके नॉन पोल्यूटेंट कुछ और ऑल्टरनेट वेज ढूंढने चाहिए। आई थिंक अलग अलग कमिटीज या गवर्नमेंट इसके लिए सोचे तो ज़्यादा बेटर होगा। आम पब्लिक तो देखिए तमाशा देखने के लिए आती है, जैसा आप ऑर्गेनाइज करेंगे वो ऑर्गेनाइज पूरा मेला देखने के लिए आम जनता इकट्ठी होगी ही होगी। बट हम लोग अगर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, इनको प्रोवोक करें कि ये ना करें, तो उसका ऑल्टरनेट वेज भी गवर्नमेंट को या किसी को सुझाना पड़ेगा। मेरा नाम अर्चित है। अर्चित, आपने मास्क लगाया है, क्यों, क्या वजह? यार एक्चुअली पॉल्यूशन की वजह से लगाया है। अब मेरे को तो डस्ट एलर्जी है, जैसे यहाँ पे आया मेरे को स्नीजिंग, आँख से पानी आना, कफिंग स्टार्ट हो गई थी, तो मेरे को आखिर में आपके गाड़ी में बैठा रहा ताकि ये सब कंट्रोल हो जाए, उसके बाद से मास्क लगा के बाहर आया है। मेरे को लगता है कि अभी तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, हर साल का हो रखा है, तो प्रॉब्लम तो है बहुत ज्यादा। यार पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा, ये दिक्कत के लिए है, हेल्थ इश्यूज तो होते हैं इसमें काफी ज्यादा, तो मेरे हिसाब से थोड़ा जैसे डस्ट वगैरह हो रखी है पूरे में, इसके लिए कुछ इनको करना चाहिए था प्रॉपर प्रिपरेशन बिफोर ये सब मेला वेला करने से पहले। क्या नाम है आपका भाई? मेरा पृथ्वीराज सिंह। अभी जो है रावण दहन के बाद पोल्यूशन थोड़ा ज्यादा लग रहा है आपको दिल्ली में? जी जी लग रहा है, अब दिवाली भी आने वाली है तो इस वजह से लग तो रहा है, क्योंकि अब विंटर भी चालू हो रही है तो उस हिसाब से फॉग भी ज्यादा बढ़ेगा पोल्यूशन के हिसाब से, इससे कम होना चाहिए, बैन होना चाहिए क्रैकर्स का फोड़ना। आपका? मेरा नाम विशाल है सर। विशाल, अभी जो रावण दहन के बाद पोल्यूशन दिल्ली में थोड़ा लग रहा है, हो रहा है, उसका आपका क्या कहना है? उसका सर सब सही है, मतलब कि करो पोल्यूशन से, पर यह दिक्कत आ सकती है बहुत ज्यादा, छोटे बच्चों को ज्यादा दिक्कत आ सकती है और बड़े बुजुर्ग को भी ज्यादा आ सकती है, पोल्यूशन पे तो रुकाव होना चाहिए बिल्कुल। दिल्ली में इतना पोल्यूशन है ना पूछो ना, क्योंकि जितनी जनसंख्या ना जितनी गाड़ियां हैं, बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं, इतना पोल्यूशन है पूछो मत। अब दिवाली पे तो इतना पोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि 10 दिन तक तो गाड़ी बंद करनी चाहिए। ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट न्यूज़ 18 के लिए।